हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच की इस सीरीज में ये एडजेक्टिव टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, तो आज मैं एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो फर्स्टली यू मस्ट नो, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, और विशेषण क्या होता है इंग्लिश में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो सब जो कि किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। किस टाइप से हम एग्जांपल से देख सकते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ किसी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर गुड किसकी विशेषता बता रहा है, सी की, और सी क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए यहाँ पर मैं सी की जगह यदि सीता रख दूँ या मधु रख दूँ, तो कोई भी नाम, किसी भी लड़की का नाम रख देता हूँ, तो अब वो नाम क्या हो जाता है, वो नाम अब प्रोनाउन नहीं रहेगा, वो नाउन बन जाएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि सीता इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पर गुड किसकी विशेषता बताने लगा, सीता की विशेषता बताने लगा, तो सीता नाउन है, और पहले किसकी विशेषता बता रहा था, सी की विशेषता बता रहा था, सी प्रोनाउन है। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि वो सब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स की डिग्री भी बनती है। डिग्री टॉपिक में मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ाया है कि किस प्रकार से इनकी डिग्री भी बनती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका के प्रयोग किस तरह से होता है, मैं इस टॉपिक में बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर ये पहला सेंटेंस आप देखेंगे, ये सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पर ये ऑनेस्ट वर्ड जो कि एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, ही की, और ही प्रोनाउन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए मोर देन वन, यानी दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, वह बहादुर भी है और शक्तिशाली भी है, तो दो एडजेक्टिव का प्रयोग भी एक व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, वस्तु के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब हम कुछ आगे कुछ ऐसी टेक्निक जानेंगे, इस तरह के वर्ड्स जानेंगे जो कि कंपटीशन में आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में जो सिंटेक्स आता है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, जिसमें कि कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं उनको हमें ठीक करना होता है, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक पिछले सालों में दी गई है और क्या क्या दी जा सकती है जो इम्पोर्टेंट है, वही चीजें हमें जाननी है। तो यहाँ इस सेंटेंस के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस नंबर दो देखिए, इसमें लिखा आई एम सीनियर टू हिम, तो देखिए यहाँ पर आप सीनियर देख रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद टू लगा, और टू के बाद जो प्रोनाउन आया है वो डुप्लीकेट फॉर्म में आया है, यानी हिम का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ही है, यहाँ पर ही नहीं लगा लेकिन यहाँ पर हिम लगा, और ये बात निश्चित है, ये बात पहले पढ़ाई जा चुकी है कि टू के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा अपने डुप्लीकेट फॉर्म में आता है। लेकिन क्या मेन विशेषता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, इन शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, और यहाँ पर मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है कि ये शब्द होते हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और एल्डर, इन शब्दों के बाद हमेशा ही टू आएगा, कभी भी इनके साथ में देन नहीं आ सकता, इनके बाद कभी देन नहीं आता, लेकिन एग्जामिनेशन में सीनियर के बाद यहाँ पर देन लगा देता है और देन के बाद यहाँ पर ही लगा देगा, तो इसको अच्छी तरह से आपने देखना है, ये सब मैंने बता दिए हैं। अब सेंटेंस नंबर थ्री पर आइए, मान लीजिए कि ये सेंटेंस है, दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी कुछ वर्ड इस तरह के होते हैं, जैसे अपर है, दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग, इसमें क्या होता है, ये अपर वर्ड है, यहाँ पर यहाँ देखिए अपर वर्ड है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये जैसे कि इंटीरियर है, मेजर है, माइनर है, अपर है, इनर आंतरिक होता है, फॉर्मर पहले होता है, आउटर बाहरी, एक्सटीरियर भी बाहरी होता है, अल्टीरियर भी बाहरी होता है, इंटीरियर आंतरिक कोण होता है, मैथमेटिक के वर्ड है, और ये यहाँ पर एक्सटीरियर है,
बाहरी कोण होता है, अल्टीरियर बहिष्कोण होता है, ये सारी सब जितने भी मैंने लिखे हैं इनका प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, कभी भी कंपेरेटिव डिग्री में इनका प्रयोग नहीं होता। लेकिन एग्जामिनेशन में इनके साथ भी टू लगा देता है और इनका प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में कर देता है, तो कभी इनका यूज कंपेरेटिव डिग्री में नहीं हो सकता। सेंटेंस नंबर 4 पर आइए। सेंटेंस नंबर 4 पे आप देख रहे हैं एक सेंटेंस लिखा है, सी इज वाइजर ऑफ द टू, सी इज वाइजर ऑफ द टू, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए सी इज वाइजर ऑफ द टू, केवल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री केवल वही यूज होती है जहां की केवल कंपैरिजन दो के साथ होता है, यहां पर दो के साथ होता है हो रहा है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में सेंटर बहुत बार आया, यूपी बोर्ड में तो बहुत बार आया है कि सी इज वाइजेस्ट ऑफ द टू, लेकिन वाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, वाइजर होगा, कभी भी यहां पर दो के लिए हम वाइजेस्ट नहीं लगा सकते। उसके बाद सेंटर नंबर 5 को देखिए। सेंटर नंबर 5 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। ये सेंटेंस है, ही इज मोर ब्रेवर देन श्याम, ही इज मोर ब्रेवर देन श्याम, ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में जिसमें कि कंपेरेटिव डिग्री में डबल कंपेरेटिव का यूज कर देता है और सुपरलेटिव डिग्री में डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा, कभी भी डबल कंपेरेटिव या कभी भी डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता। यानी इस सेंटेंस में ही इज मोर ब्रेवर देन श्याम, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि यहाँ मोर नहीं आना चाहिए, यहाँ ही इज ब्रेवर देन श्याम आना चाहिए। वो ये भी कह सकता था कि ही इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट, ये भी वर्ड कहीं पर किसी सेंटेंस में यूज कर सकता है। कभी भी द मोस्ट और ब्रेवेस्ट एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी द कंपेरेटिव डबल या कभी भी सुपरलेटिव डबल नहीं आएगा, इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें। सेंटेंस नंबर 6 पर आए। इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये सेंटेंस है, माय बॉक्स इज हैवियर देन यू, माय बॉक्स इज हैवियर देन यू। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां ये सेंटेंस आया है और इसमें कंपैरिजन केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से होता है। तो यहां पर देखिए ये चीज आ रही है, यहां बॉक्स है और यहां पर वो देन यू कह रहा है, तो इसमें कभी भी यहां पर देन के बाद में देन यू नहीं आएगा, then that of you, यानी आपके बॉक्स से, यानी आपके बॉक्स से, मेरा बॉक्स भारी है। अगर बॉक्स की तुलना फिर तो यू से हो जाएगी, अगर मैं देन यू कह दूंगा तो फिर तो यू से तुलना हो रही है, उसके भार से तुलना हो रही है। और कभी भी मैंने लिख दिया केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से कंपैरिजन होता है, ठीक है, उसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु से, व्यक्ति का व्यक्ति से, किसी वस्तु का वस्तु से होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा देन के बाद दैट ऑफ लगाना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 पर आइए। ये दो वर्ड होते हैं, इनको मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक वर्ड होता है फार्दर, एक होता है फर्दर, दोनों का अर्थ आगे होता है, जबकि फार्दर का प्रयोग दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए होता है, और फर्दर का प्रयोग जब हम कोई टॉपिक या कोई भी हम कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है और उसको हम या किसी भी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना यानी फर्दर लेकर उसे आगे जाना, तो वहां पर उसके लिए फर्दर आता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए फर्दर आता है। इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने क्लियर कर दिया दोनों का यूज वाक्यों में। पहला सेंटेंस है, देखिए माय बॉक्स, ये सेंटेंस है, मेरठ इज फर्दर फ्रॉम सहारनपुर देन देवल। तो देखिए यहां पर फर्दर आया, मेरठ जो है वो सहारनपुर से देवबंद की अपेक्षा दूर है, तो इसमें फार्दर लगेगा, लेकिन वो यहां पर क्या लगा देगा एग्जामिनेशन में, आपने ध्यान रखना है, डिस्टेंस के लिए फर्दर यूज कर देगा। और यहां पर देखिए 8वें सेंटेंस में आता है, ही गेव मी नो फर्दर रिप्लाई, उसने मुझे आगे कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहां पर वो कहेगा कि ही गेव मी नो फर्दर रिप्लाई, तो फर्दर लगा देगा, तो आपने इसको बिल्कुल करेक्ट करना है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 पर आइए, और सेंटेंस नंबर 9, 10 और 11 में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, जो कि डेली आपके कन्वर्सेशन में आप अपने वार्तालाप में यूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज करते हैं। ये वर्ड होता है, एक होता है फ्यू, एक होता है ये फ्यू, और तीसरा वर्ड होता है द फ्यू, यानी इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां करते हैं। तो फ्यू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां की न के बराबर हो, यानी
पहले ये समझ लीजिएगा फ्यू जो आता है ये किसके लिए आता है, ये संख्यावाचक है, मात्रावाचक नहीं है। जहां संख्या की बात करेंगे वहां पर इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां हम संख्या की बात करेंगे। और यदि हम कहीं पर ये लगा रहे हैं कि केवल फ्यू हमने लगाया, इसका मतलब कुछ नहीं, न के बराबर। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि सी हैज रीड फ्यू बुक्स, उसने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। तो कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं का मतलब न के बराबर, कुछ ही पुस्तकें पढ़ी हैं, कुछ ही पुस्तकें पढ़ी हैं। यदि मैं कहता हूं आई वॉन्ट ए फ्यू रुपीज, तो इसमें मैंने ए लगा दिया फ्यू के साथ में, इसका ये होता है कि मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, यानी कुछ यानी बहुत थोड़े से रुपए की आवश्यकता है, बहुत थोड़े से रुपए की आवश्यकता है। और 11वें सेंटेंस में हमने देखा कि सी हैज रीड द फ्यू बुक्स, यहां पर मैंने द लगा दिया, द फ्यू बुक्स यानी उसने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ कुछ पढ़ी हैं, कुछ से कुछ ज्यादा पढ़ी हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होता है तीनों में। उसी तरह से 12वें सेंटेंस में आप देखें, एक चीज और मैं समझाने जा रहा हूं, ये तीन वर्ड होते हैं, लिटिल होता है, ए लिटिल होता है और द लिटिल होता है, ये मात्रावाचक है। हम ये मात्रा कहीं पता नहीं हो, मात्रा की बात करते हैं तो हम लिटिल, ये लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन वो इनका प्रयोग क्या करता है एग्जामिनेशन में, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में गलत दे देता है। जहां संख्या की बात करेगा वहां लिटिल लगा देगा, और जहां मात्रा की बात होगी मार्फिम लगा देगा उसके लिए। सेंटेंस नंबर 12 देखिए, देयर इज लिटिल सुगर इन टी, यानी चाय में चीनी कम है। कम का मतलब है बहुत ही कम है, अगर मैं खाली लिटिल लगाऊंगा तो बहुत ही कम है। और देयर इज ए लिटिल सुगर इन टी, चाय में चीनी कुछ कम है। कुछ कम का मतलब है काम चल जाएगा, लेकिन कुछ कम है। There is the little sugar in tea, और यदि मैं दा लगाता हूं तो इसका मतलब ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो ये तीनों शब्द मात्रावाचक हैं और ये तीनों शब्द संख्यावाचक हैं। अब यहाँ 14वें सेंटेंस में हम बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में हम बताना चाहूंगा कि दो वर्ड होते हैं, एक लेस होता है एक फीवर होता है। लेस मैंने भी कम होता है और फीवर मैंने भी कम होता है, लेकिन कहां यूज होता है? लेस जो होता है वो मात्रावाचक होता है, हमेशा वहां लगेगा जहां की मात्रा की बात करेगा। देयर इज लेस शुगर इन टी, मात्रा आ जाएगी इसमें, मात्रावाचक हो जाएगा। और फीवर, फीवर का मतलब संख्या। अगर मैं कहता हूं देयर इज फीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका मतलब कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब संख्या के लिए मैंने भी फीवर लगा दिया और मात्रा के लिए लेस का प्रयोग किया। 15वें सेंटेंस में देखिए, 15वें में मैं बात बता रहा हूं, दो वर्ड मैंने लिए सम और एक लिया एनी, बहुत यूज होता है सम, सम में नहीं भी कोई, एनी में नहीं भी कोई। लेकिन याद रखिए सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, जो कि अफर्मेटिव वाक्य होगा, और नेगेटिव का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, लेकिन वो इसका भी प्रयोग गलत दे देगा। जहां उसने पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर देगा, नेगेटिव सेंटेंस में सम लगा देगा। तो इसको भी हमें इवेल्युएट करना है, ठीक करना है। और इसी के साथ बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये डिफिकल्टीज होती हैं, जो कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में आती है, कुछ कॉम्पिटिशन में भी आती है। सेंस मैंने डिग्रीज टॉपिक में सारा ये एडजेक्टिव पढ़ाया है अपनी पहली क्लास में, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और इसी के साथ ये एडजेक्टिव टॉपिक समाप्त होता है।